अच्छा जी, व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड क्या है? देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड मतलब कि आपने कोई चीज टाइप करनी है, वर्ड्स के साथ खेलना है। यू कैन यूज इट टू टाइप लेटर्स, रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। द मेन फोर ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आर डिफाइनिंग द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एंटरिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कीबोर्ड, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट और प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। चार चीजें क्या हैं कि आप फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं कि अब मैं ये कौन सा फॉर्म जो है वो बनाने लगा हूँ, कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है या किस टाइप का है। फिर हर किसी के साइज डिफरेंट होते हैं पेजेस के, उस चीज को आप पहले डिफाइन करते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट बनाने कौन सा लगाऊँ। आपने फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन लिखनी है किसी जो है बंदे के नाम, उसके बाद एंट्री डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से आप डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे, उसके अंदर सारा अपना डेटा एंटर करेंगे। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, पहले आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। आपके पास एक, आपने सीवी बनानी थी, आप एक सीवी बना रहे हैं, आपके पास सीवी नहीं है, आपने अपने दोस्त से मांगी, यार मुझे सीवी तो दो के किस तरह का बनाना है। उसने अपनी सीवी पेश कर दी और आपने उस सीवी का क्या किया, आपने उस सीवी के अंदर जो है वो अपना नाम और सारी चीजें, डॉक्यूमेंट का मेन जो थीम है वही रहने दिया, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट वही रहने दी, और उसके अंदर एडिटिंग करके अपना नाम वगैरह शामिल कर लिया। इसको एडिटिंग द डॉक्यूमेंट कहते हैं। और उसके बाद प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, आपने उस डॉक्यूमेंट को, उस सीवी को निकालना है तो आप प्रिंटर की मदद से उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये होता है जी एमएस वर्ड बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये क्या बता रहे हैं हैदर? अच्छा ये डिफरेंट शॉर्ट की शॉर्टकट की इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कह रही हूँ। ये देखें जी, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। अच्छा ये सारी चीजें ना, जब तक आप, वैसे एक तरीका कार ये है कि आप इनको रट्टा मार लेंगे, जो एमसीक्यूज में शेयर करता हूँ 500-1000, उनको आप रट्टा मार लें। ठीक है, दूसरा ये है कि थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट भी होना चाहिए। आप ये चीजें खोलें, इनको ओपन करें अपने लैपटॉप पे या जो है चाहे मोबाइल पे कर लें। अब तो मोबाइल ही कंप्यूटर बना रहा है, हर चीज तो इसके अंदर मतलब मौजूद है। तो इवन के स्कैनर भी मौजूद है, कैम स्कैनर, पीडीएफ कन्वर्टर भी मौजूद है, हर चीज इसके अंदर आ रही है। तो अब मेरे पास लैपटॉप भी है, मैं लेक्चर मोबाइल पे देता हूँ। मोबाइल पे मतलब हैंड ऑन फिजिबल रहती हैं चीजें, लैपटॉप कौन इतना बड़ा सा पकड़ के बैठे, उसको चार्जिंग पे लगाओ और वो सारा टाइप शाइप, इसके ऊपर जो है वो बड़ा आसान रह जाता है सारा कुछ करना। तो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें, ये ऊपर जो लाइनें होती हैं, ये ऊपर वाली, इसमें ऊपर कुछ टूल बार बने होते हैं, साइड पे कुछ टूल बार होते हैं और नीचे कुछ टूल बार होते हैं। हर किसी के अलग अलग नाम होते हैं। ये जो ऊपर वाले टूल बार हैं, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जो आपने साइज बनाना होता है डॉक्यूमेंट का, जो वर्ड का साइज होता है, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर होता है 12 नंबर इसको देना है, 14 नंबर आपने वर्ड का जो साइज है 14 नंबर करना है, 16 नंबर करना है या कितना करना है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है ऊपर, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की चीजें दी होती हैं कि आपने कोई चीज इंसर्ट करनी है, आपने डॉक्यूमेंट की जूमिंग कितनी करनी है, ये आप ओपन करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ये आप ओपन करें अपने पास जो है लेक्चर के बाद, मोबाइल में ही ओपन कर लें, माइक पहले वर्ड की एक फाइल ओपन कर लें, उसको स्टडी करें कि ऊपर क्या कुछ लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद पावर पॉइंट की कर लेना और इसी तरह एक्सेल की कर लेना। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, साइड पे ये स्क्रोल बार होता है, स्क्रोल बार तो ऊपर नीचे करने के लिए होता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये ऊपर वाला और साइड वाला हो गया। नीचे जो होता है वो ड्राइंग टूल बार होता है, स्टेटस बार होता है और व्यू च्वाइसिस होता है। बात कर ये जो नीचे वाली सारी चीजें दी हुई है, ये भी ऊपर होती हैं। ये है, लाजमी नहीं होता कि ये जो बार हैं ये इसी तरह दी हों, ये मतलब आपको डिफरेंट टाइप के बार्स बताए। ये फॉर्मेटिंग टूल बार पहला नंबर, स्टैंडर्ड टूल बार दूसरा, स्क्रोल बार तीसरा, व्यू च्वाइसिस, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार। ये लाजमी नहीं है कि ये इसी तरतीब में, ये तो आमतौर पर इसी तरतीब में होता है स्क्रोल बार, बाकी ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है या ऑफिस जो है वो कौन सा इंस्टॉल है। आमतौर पे आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं उसमें ये सारे चारों पैकेजेस मौजूद होते हैं, उसमें वर्ड भी मौजूद होता है, उसमें पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है और एक्सेस भी होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट में चार पैकेजेस होते हैं,
और इस वक्त हम पहले पैकेजेस की बात कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सीवी बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप उसको ओपन करेंगे तो ये सारे डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे पूछ ले जी फॉर्मेटिंग टूल बार किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड टूल बार किस लिए यूज होता है, ठीक है, स्क्रोल बार किस लिए यूज होता है, ड्राइंग टूल बार किस लिए यूज होता है। तो इनको एक दफा आपने जो है ना वो गो थ्रू करना है और खुद हैंड ऑन प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी। हाँ जी क्रोप का भी होता है बिल्कुल। ये ऊपर आ जाए तो ये देखें, ये ऊपर वाले जो टूल बार हैं जहां से ज्यादातर डॉक्यूमेंट बनता है उसको दिखाया हुआ है। देखें ये फाइल, हम ये लेफ्ट हैंड से शुरू कर लेते हैं चीजें। यहाँ पे फाइल होती है, ये देखें फाइल के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आपने सेव करना है या क्या करना है। ये इस वक्त होम पे क्लिक किया है तो ये सारी चीजें खुली हुई हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली पहले एक बार देखिएगा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, और ये सारे ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो अलहदा अलहदा ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे बेसिकली होम पे उसने क्लिक किया हुआ, ये देखें होम वाला जो है वो उसका कलर चेंज हुआ है ना, होम पे क्लिक करें तो ये सारी चीजें आ जाती है। और बेसिकली आपने यहीं से सारा कुछ बनाना होता है। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले कि आप जो लिखना चाह रहे हैं वो कौन सी स्टाइल के अंदर हो। जैसे ये लिखा मैंने कैलिबरी बॉडी, ये एक स्टाइल होता है लिखने का। आमतौर पे जो स्टाइल यूज होता है वो टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल यूज होता है। जो आप टाइपिंग के लिए स्टाइल यूज करते हैं वो टाइम्स, और फिर ये वर्ड का साइज होता है, आपने 11 नंबर उसको साइज देना है, 12 नंबर साइज देना है, 14 नंबर साइज देना है। आमतौर पे जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती है उसमें 12 या 14 नंबर यूज होता है, 12 से 14 नंबर आप यूज करते हैं, और यूज आप करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ये स्टाइल से ही तो वो मतलब जो केस बनाया था वाजिद ज़िया ने मरियम नवाज पे, वाजिद ज़िया आजकल FIA के जो है वो डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, यहीं से पकड़ा था कि जो ये कैलबरी क्वीन कहा जाता है ना उनको, ये लैंग्वेज की एक टाइप है। तो उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर पेश किया था टाइप हुआ वा ऐसे कि ये मेरी जो है प्रॉपर्टीज, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और पाकिस्तान में भी कोई, वो वाला उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया कि नहीं अब मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं और ये डॉक्यूमेंट, और उसपे कुछ सिग्नेचर हुए हुए थे। तो जो वाजिद ज़िया ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा के उसको पकड़ा था, उसने कहा था कि ये जिस लैंग्वेज में 2004 या जब भी आपने टाइप करवाया है जहां से, उस वक्त तो वो कैलबरी जुबान होती नहीं थी, कैलबरी फॉन्ट होता ही नहीं था, ठीक है, तो आपने ये कैसे टाइप करवा लिया कैलबरी में उस जमाने में। खैर मरियम नवाज ने अपना लॉजिक पेश किया, बीटा वर्जन होता था, मतलब नया नया इजाद हो रहा था, किसी कंपनी ने इजाद किया था। बीटा वर्जन कहते हैं वो वर्जन जो टेस्टिंग के लिए यूज हो, मार्केट में परचेज के लिए ना आए। कुछ चीजों के बीटा वर्जन आते हैं, कुछ एप्लीकेशन के बीटा वर्जन आते हैं गरीब मुल्कों के लिए, यूज करके देख लो एक दफा तुम लोग ना, वो हम पे टेस्ट करते हैं, हम मतलब आप समझ लें कि एनिमल्स हैं जिन पे टेस्ट होते हैं चीजों के, इवन के वैक्सीन के टेस्ट, आपको पता है ये अफ्रीकी ममालिक पे वैक्सीन के टेस्ट करते हैं इंसानों को, इंसानों के ऊपर पहले वो टेस्ट करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, वहाँ उन्होंने डिफरेंट अपने जेल टाइप या कैंप्स बनाए होते हैं। अच्छा रिजल्ट आए तो फिर वो अमेरिका और रशिया वहाँ पे यूज हो जाती है, अगर वो देखे नहीं जी बंदे मरने लग गए हैं तो फिर वो नहीं यूज करते, फिर वो नई वैक्सीन बनाते हैं, फिर वो इंसानों पर टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के भी टेस्ट होते हैं जिनको बीटा वर्जन कहते हैं, बीटा वर्जन के थ्रू वो गरीब कंट्रीज को दे देते हैं टेस्ट कर लो। कोई आप चेक करते हैं जी फाइल खोल के, नहीं जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, हैंग हो रही है, फलां चीज हो रही है, फिर वो उसको दोबारा से रीन्यू करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, मजीद जो है वो चीजें करते हैं। तो खैर बताने का मकसद ये कि ये डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने की सारी चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर वर्ड के अंदर मौजूद होती हैं, और इसके जरिए आप अपना डॉक्यूमेंट जिस तरह का चाहें उस तरह का टाइप कर सकते हैं। सर वैसे एक मतलब हैंड प्रैक्टिस कर लें तो नहीं भूलेगा, तो वो हैंड प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना, हैंड ऑन प्रैक्टिस आप करेंगे तो सर फिर वाजिद ज़िया छा गया था।
करके। हाँ ये फिर वो जहरी बात है, मुख्तलिफ लैब्स में भेजते हैं, उसके अंदर से वो देखते हैं कि कहाँ से हमने गलती पकड़नी है अगले की। ये इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो FIA वाले होते हैं, ISI वाले होते हैं इनकी। ये देखें वही बात आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फीचर्स एक दफा समराइज किया गया कि हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, वर्ड आर्ट कर सकते हैं, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ग्राफिक्स में आप तस्वीरें वगैरह ऐड करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स दे देते हैं, पेज के पीछे बैकग्राउंड लगा देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह का आपने देखा होगा वो पेज के पीछे लोगो बने होते हैं, ठीक है, तो वो इसकी मदद से आप करते हैं। वर्ड आर्ट भी उसी तरह, मतलब आप डिफरेंट टाइप की जो है आर्ट्स लगाते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रूफिंग करनी होती है वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने एक टाइप किया। देखें चीजें पहले हम हाथ से लिखते थे, ठीक है, एप्लीकेशन हाथ से लिखते थे, उसमें क्या होता था गलतियां भी आ जाती थी, ठीक है। हर किसी की हैंडराइटिंग अगर लीजिबल नहीं है, हैंडराइटिंग पढ़ने के काबिल नहीं है, तो मुश्किल होती थी। एक एप्लीकेशन दूसरे ऑफिस में जा रही है तो मसले मसाइल होते थे। जब से ये चीजें आ गई, आसानी हो गई, उसने अपनी हैंडराइटिंग में कंप्यूटर ने कंपोज कर देने एक डॉक्यूमेंट, आगे जाएगा तो पढ़ने वाले के लिए भी मुश्किल नहीं होगी। और फिर इधर एक और सबसे मजे की चीज है कि वर्ड प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है कि जो आप डॉक्यूमेंट करते हैं उसका प्रूफ खुद ही स्पेलिंग चेकर मौजूद होता है, ग्रामर खुद ही चेक हो जाती है। थेसरस ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये डिक्शनरी होती है बेसिकली। कोई आपसे पूछे वर्ड के अंदर डिक्शनरी कौन सी है, तो वर्ड की जो डिक्शनरी है उसका नाम है थेसरस। और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर जो है ना। हैदर ये मैं